श्रीमद् देवी भागवत तीसरा स्कंद नवरात्र व्रत के प्रसंग में श्री रामचरित्र का वर्णन। जन्मेजी ने पूछा, भगवान राम ने देवी का सुखदायी नवरात्र व्रत क्यों किया था? उनका राज्य अधिकार छिन जाने में क्या कारण था तथा सीता जी का हरण हो जाने पर उनको प्राप्त करने के लिए क्या किया? तो व्यास जी कहते हैं, प्राचीन समय की बात है, श्रीमान राजा दशरथ अयोध्या में राज्य करते थे। सूर्यवंशी राजाओं में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। उनके यहाँ देवता और ब्राह्मण सदा आदर पाते थे। उनके चार पुत्र हुए जो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के नाम से जगत में प्रसिद्ध हैं। राजा को प्रसन्न रखने वाले वे बालक रूप और गुण में समान थे। राम की माता कौशल्या थी कि कैसे भरत का जन्म हुआ था और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये दो सुंदर बालक एक साथ उत्पन्न हुए थे। ये बाल अवस्था में ही धनुष और बाण लेकर खेला करते थे। तदंतर इनका संस्कार किया गया। इसके कारण राजा के सुख की वृद्धि हो रही थी। इतने में विश्वामित्र जी आए और यज्ञ की रक्षा करने के लिए कुमार श्री राम को उन्होंने महाराज दशरथ से मांगा। तब भगवान श्री राम की अवस्था केवल 16 वर्ष की थी। राजा ने लक्ष्मण सहित श्री राम को मुनि के साथ जाने की आज्ञा दे दी। प्रिय दर्शन राम और लक्ष्मण मुनि के साथ चले गए। उन्होंने रास्ते में ही भयंकर रूप वाली ताड़का नामक राक्षस को मार डाला। वह राक्षसी मुनियों को सदा सताया करती थी। भगवान राम के एक ही बाण से उनका काम तमाम हो गया। यज्ञ की रखवाली करते समय श्री राम ने पापी सुबाहु के प्राण हर लिए। मारीच को भी मृत प्राय करके बाण के सहारे दूर फेंक दिया। इस प्रकार मुनि यज्ञ की रक्षा के इस क्रूर कार्य को उन्होंने सहज ही संपन्न कर दिया। फिर श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र ये सभी मिथिला के लिए प्रस्थित हुए। मार्ग में उन्होंने अहिल्या का शाप से उद्धार किया। भगवान श्री राम की कृपा से वह परम पावन बन गई। फिर श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में पहुंच गए। वहां भगवान शंकर के धनुष को, जिसे तोड़ने के लिए जनक ने प्रतिज्ञा की थी, तोड़ दिया। तदंतर लक्ष्मी जी अंशभूता जानकी का भगवान श्री राम के साथ विवाह हुआ। महाराज जनक की एक दूसरी पुत्री उर्मिला थी, उसे उन्होंने लक्ष्मण को सौंप दिया। उत्तम लक्षणों से संपन्न सुशील भरत एवं शत्रुघ्न ये दोनों भाई कुशध्वज की कन्याओं के स्वामी बने। इस प्रकार इन चारों भाइयों का विवाह संस्कार उत्तम विधि के साथ जनकपुर में संपन्न हुआ। महाराज दशरथ ने देखा, मेरा पुत्र राम राज्य संभालने के योग्य हो गया है, अतः उनके मन में भगवान राम पर राज्य पर भार डालने की इच्छा हो गई। तैयारियां होने लगी। उन्हें देखकर कैकेयी ने महाराज दशरथ से अपने पहले के दो वर मांगे। उसने अपने पतिदेव महाराज दशरथ को वश में कर लिया था। उसने एक वर से तो अपने पुत्र महाभाग भरत को राजा बनाया जाए ये मांगा और दूसरा वर था कि श्री राम 14 वर्ष के लिए वन चले जाएं। तंत्र कैकेयी के कथन के अनुसार सीता और लक्ष्मण के सहित भगवान राम दंड अरण्य में पधार गए। वहां पर बहुत से राक्षस रहते थे। अमेय आत्मा महाराज दशरथ को पुत्र के विरह से अपार दुख हुआ। पूर्व शाप की बात उन्हें याद थी ही, अतः उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भरत जी ने देखा, पिताजी स्वर्ग सिद्धार गए, इनकी मृत्यु में माता कारण हुई है, अतः भाई श्री राम का प्रेम भाजन बनने की इच्छा से उन्हें राज्य करना अस्वीकार कर दिया। भगवान राम पंचवटी में निवास कर रहे थे। वहां रावण की छोटी बहन शूर्पणखा आई। कामदेव उसे सता रहा था, उन्होंने उसे विरूप बना दिया। नाक कान कटी हुई उस राक्षसी शूर्पणखा को देखकर खर दूषण आदि दैत्यों ने अमित तेजस्वी भगवान राम के साथ घोर संग्राम किया। वे खर प्रभृति राक्षस असीम बलशाली थे, फिर भी मुनियों के हित की इच्छा रखने वाले सत्य पराक्रमी श्री राम के हाथ उन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ा। शूर्पणखा बड़ी दुष्टा थी।
में लंका गई और राम के द्वारा खर दुष्यंत के मारे जाने का समाचार उसने रावण के पास पहुंचाया। रावण भी बड़ा नीच था, खर दुष्यंत की मृत्यु सुनकर क्रोध से तमतमा उठा, तुरंत रथ पर बैठा और मारीच के स्थान पर चला गया। मारीच बड़ा मायावी था, सीता को लुभाने के लिए सोने का मृग बनकर जाने के लिए रावण ने उसे आज्ञा दी। वे मायावी राक्षस तुरंत स्वर्ण में मृग बनकर सीता के सामने पहुंच गया। उसके सभी अंग अत्यंत अद्भुत जान पड़ते थे। वह कुटी के पास जाकर चरने लगा। उसे देखकर देव की प्रेरणा से विवश होकर भक्ति सीता ने राम से कहा, स्वामिन, इस मृग का चरम लाने की कृपा कीजिए। भगवान राम ने भी कुछ विचार नहीं किया, वह लक्ष्मण को रखने की आज्ञा देकर धनुष बाण उठाया और वह उस मृग के पीछे चल पड़े। वह मृग भी करोड़ों मायाओं का पूर्ण जानकार था। भगवान राम को देखकर वह कभी दिख पड़ता, कभी अदृश्य हो जाता। यूं वह एक वन से दूसरे वन में चला गया। अब यह मृग एक की हाथ की दूरी पर रह गया था। यह मानकर भगवान राम ने धनुष पर तीक्ष्ण बाण चढ़ाया और उससे उस माया में मृग को मार डाला। मरते समय मायावी नीच मृग अत्यंत दुख के साथ बलपूर्वक बड़े जोर से चिल्लाया, हा लक्ष्मण, अब मैं मारा गया। वह चिल्ला रहा था तभी उसका वह गगन भेदी शब्द सीता ने सुन लिया। यह राघवेंद्र की करुण पुकार है, ये मानकर वे घबरा गई। उन्होंने अपने देवर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम अभी जाओ, देखो तुम्हारे भाई रघुनंदन को किसी ने मारा है। सुमित्रे, तुम्हें वे बुला रहे हैं, शीघ्र उनकी सहायता में जुट जाओ। तब लक्ष्मण ने भक्ति सीता से कहा, माता जनक नंदिनी, राघवेंद्र की यह आज्ञा है कि तुम यहीं रहना। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने से मैं डरता हूँ, अतः तुम्हारे पास से नहीं जा सकता। तुम धैर्य रखो, मेरी समझ से भगवान राम को मारने में समर्थ पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। अतः तुम्हें यहाँ अकेली छोड़कर राघवेंद्र की आज्ञा का उल्लंघन करके मैं नहीं जाऊंगा। व्यास से कहते हैं, उस समय सीता की आंखों से आंसू गिर रहे थे। यद्यपि उनका स्वभाव बड़ा ही सौम्य था, फिर भी लीलावश सदाचारी लक्ष्मण के प्रति वे कुछ कठोर वचन कह गई। भक्ति जानकी का कथन सुनकर लक्ष्मण का मन शुभ हो उठा। कुछ समय तक वे चुप रहे, फिर जनक नंदिनी जानकी से कहा, क्षितिजे, आपने मेरे प्रति कितने कठोर वचन कह डाले, इतनी अहितकर बात आपके मुख से क्यों निकल रही है? इसका अंतिम परिणाम मेरी समझ में आ गया। इस प्रकार कहने के पश्चात वीरवर लक्ष्मण सीता को वहीं छोड़कर अपने बड़े भाई श्री राम को खोजते हुए चल पड़े। उस समय लक्ष्मण की आंखों से आंसुओं की अजस्त्र धारा बह रही थी। वे बड़े दुखी थे। उनके जाते ही उस आश्रम में रावण का प्रवेश हो गया। रावण ने माया से अपना भिक्षुक का वेश बना रखा था। जानकी ने उस दुरात्मा रावण को सन्यासी समझकर आदरपूर्वक गद्य और फल निवेदन करने के उपरांत उसके सामने भोजन सामग्री उपस्थित की। तब उस नीच रावण ने नम्रता के साथ बड़े मधुर स्वर में सीता से पूछा, कमल के समान सुंदर नेत्र वाली तुम अकेली ही इस वन में कौन हो? तुम किसकी पुत्री हो? कौन तुम्हारा भाई है और किससे तुम्हारा विवाह हुआ है? सुंदरी, तुम क्यों एक ग्वारन स्त्री की भांति बिना किसी को साथ लिए यहां ठहरी हुई हो? प्रिय, तुम देवकन्या के समान श्रेष्ठ प्रतिभा वाली हो, तुम्हें ऊंचे महलों में रहना चाहिए। मुनि पत्नी की भांति इस निर्जन वन में तुम्हारे रहने का क्या कारण है? तब व्यास कहते हैं, रावण के उक्त कथन को सुनकर जनक कुमारी जानकी उत्तर देने लगी, देववश उस समय भी उनको मंदोदरी पति रावण दिव्य यति ही जान पड़ा। सीता ने कहा, एक समृद्धिशाली राजा है, उनका नाम महाराज दशरथ है। उनके चार लड़के हैं, उनमें सबसे बड़े लड़के जिनकी राम नाम से प्रसिद्धि है, मेरे पति देव हैं। राजा ने मेरे स्वामी को 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया। इसमें कई निमत हुई थी, अतः लक्ष्मण के साथ वे यहां निवास करते हैं। मैं जनक की पुत्री हूँ, मुझे लोग जानकी कहते हैं। भगवान शंकर का धनुष तोड़कर श्री राम ने
मुझे अपनी पत्नी बनाया है, उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित मैं इस निर्जन वन में रहती हूँ। स्वर्ण में मृग देखकर उसे मारने के लिए अभी मेरे पति देव गए हैं। फिर भाई की पुकार सुनकर लक्ष्मण का भी यही क्षण उधर जाना हो गया है। उन राम और लक्ष्मण की भुजा के प्रताप से ही मैं यहाँ निर्भय रहती हूँ। मेरे वनवासी जीवन व्यतीत करने का यही सब वृतांत थे। मेरे पतिदेव और देवर दोनों महान भाव अब आते ही होंगे। वे आकर आपकी विधि पूर्वक पूजा करेंगे। सन्यासी भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, अतः आप मेरे पूजा के पात्र बन चुके। किंतु इस भयंकर वन में बहुत से राक्षस रहते हैं, यहीं पर ये आश्रम बना है। इसी से मैं आपसे पूछती हूँ, आप मेरे सामने सच्ची बात बताने की कृपा करें। आप सन्यासी के वेश में इस जंगल में पधारे हुए कौन हैं? रावण ने कहा, मैं लंका का समृद्धिशाली राजा रावण हूं। मेरे स्त्री का नाम मंदोदरी है। संतरी, तुम्हें पाने के लिए ही मैंने ऐसा रूप बना लिया है। फरारोही, अभी बहन सूर्पनखा के प्रेरणा करने पर मैं यहां आया हूं। खर दूषण दोनों भाई जन स्थान में मारेगी, ये समाचार मुझे मिल गया था। अतः आप तुम उस मानवपति को छोड़कर मुझ नरेश को अपना स्वामी बनाओ। राम राज्य से च्युत हो गया है, उसके मुख पर सदा उदासी छाई रहती है, शक्तिहीन होकर वह वन में रहता है। सुंदरी, तो मेरी पटरानी बनो। मंदोदरी तुमसे नीचे होकर रहेगी। मैं तुम्हारा दास हूं, तुम मेरी स्वामी बनने की कृपा करो। संपूर्ण लोकपालों पर मुझे विजय मिल चुकी है, फिर भी मेरा मस्तक तुम्हारे चरण को चूम रहा है। जानकी, आप तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे स्नात बनाने की कृपा करो। अबले, तुम्हारे लिए पहले भी मैंने तुम्हारे पिता से याचना की थी। उस समय जनक ने यों कहा था कि मैंने धनुष तोड़ने की शर्त रखी है, भगवान शंकर का धनुष मेरे हाथ टूट जाएगा, इस भय से मैं संबर में गया ही नहीं। परंतु तभी से मेरा विरह अतुर मन तुम में आसक्त होकर बार बार गोते खा रहा है। तुम इस वन में रहती हो, ये सुनकर मैं यहाँ हूं। अब तुम मेरे परिश्रम को सफल बनाने की कृपा करो। रावण के ये कुत्सित वचन सुनकर माता जान के भय से व्याकुल हो उठी, उनका सारा शरीर कांप गया। फिर मन को स्थिर करके उन्होंने कहा, प्लस कुमार रावण, तो काम के चंगल में फंसकर क्यों इस प्रकार की घृणित बातें बक रहा है? अरे मैं हाट की वैश्या नहीं हूं, महाराज जनक के कुल में मेरा जन्म हुआ है। रावण, तो लंका चला जा, भगवान राम तुझे अवश्य मारेंगे, मेरे लिए ही तेरी मृत्यु होगी, ये बिल्कुल निश्चित बात है। इस प्रकार कहकर भगवती जानकी परणशाला में जहां अग्नि स्थापन किया हुआ था चली गई। उस समय जगत को रुलाने वाले रावण के प्रति दूर हो ये आवाज उसके मुख से निकल रही थी। तत्पश्चात रावण असली रूप में आकर परणशाला के पास पहुंच गया और उसने जबरदस्ती सीता को पकड़ लिया। सीता भय से घबरा कर रोने लगी, हाँ राम, हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, इस प्रकार की करुण ध्वनि उनके मुख से निकल रही थी। उधर नीच रावण ने उन्हें पकड़ा और रथ पर बैठाकर वह तुरंत चल पड़ा। जाते समय मार्ग में अरुण नंदन जटायु ने उन्हें घेर लिया। फिर उस वन में ही रावण और जटायु का भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। तात, रावण के हाथों जटायु की सत्ता शिथिल हो गई। तब वह राक्षस सीता को लेकर चला गया। बेचारी सीता कुर्री पक्षी की भांति विलाप कर रही थी। दुष्ट रावण ने अशोक वाटिका में सीता के लिए रहने की व्यवस्था कर दी, उनके पास राक्षियों का पहरा लगा दिया। साम दान दंड भेद सभी नीतियां बरतने पर भी रावण सीता को अपने सदाचार से नहीं डिगा सका। उधर भगवान राम भी सर्व मृग को तुरंत मारकर उसे आश्रम की ओर लेकर भड़े। उनकी आंखें सामने आते हुए लक्ष्मण पर पड़ी। तुरंत भगवान राम ने कहा, अरे भैया, तुमने ये विषम कार्य क्यों कर डाला? प्रेसी सीता को असहाय छोड़कर तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? क्या तुम इस नीच की पुकार सुनकर चले आए? उस समय सीता के वचन रूपी बाण से लक्ष्मण अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भगवान राम से कहा, प्रभु,
समय बलवान है। उसी की प्रेरणा से मैं यहां आ गया, यही निश्चित बात है। फिर श्री राम और लक्ष्मण दोनों परंशाला में गए। उन्होंने वहां की स्थिति देखी, अब उनके दुख की सीमा नहीं रही। फिर तो जानकी को खोजने में दोनों भाई तत्पर हो गए। खोजते हुए वे उस स्थान पर पहुंचे जहां पक्षीराज जटायु गिरे पड़े थे। पृथ्वी ने पक्षीराज को गोद में लिटा लिया था, अभी शीर में प्राण थी। जटायु ने कहा, थोड़ी देर की बात है, रावण द्वारा जनक नंदिनी जानकी हरी गई है। मैंने उस नीच राक्षस को रोक लिया था, परंतु अंत में उसकी शक्ति सफल हो गई, जिससे मुझे सम्रांगण लेट जाना पड़ा। इस प्रकार कहने के पश्चात जटायु के शीर से प्राण प्रयाण कर गई। भगवान जी के स्पर्श से उनका शीर पवित्र हो चुका था। राम और लक्ष्मण ने अपने हाथों पक्षीराज की पारलौकिक क्रिया संपन्न की। तंत्र वे वहां से आगे बढ़े। फिर उन्होंने कबंध को मारकर उनका शाप से उद्धार किया। कबंध के प्रस्ताव पर ही सुग्रीव से राघवेंद्र की मित्रता हुई। वीरवर बाली भगवान जी के हाथ स्वर्ग सिद्धार गया। कार्य साधन कराने की आशा से श्री राम ने किष्कंधा का वह उत्तम राज्य सुग्रीव को सौंप दिया। वहीं लक्ष्मण सहित भगवान राम बहुत समय तक ठहरे रहे। रावण द्वारा हरी गई प्रेसी सीता के विषय में उनका चित्त सदा चिंतित रहता था। एक समय की बात है, सीता के विरह से अत्यंत व्याकुल होकर भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्री, जानकी का कुछ भी पता नहीं चला, उसके बिना मेरी मृत्यु बिल्कुल निश्चित है। जानकी के बिना अयोध्या में मैं पैर ही नहीं रख सकूंगा। राज्य हाथ से चला गया, वनवासी जीवन व्यतीत करना पड़ा। पिताजी सुरधाम सिधारे, स्त्री हरी गई, पता नहीं देव आगे क्या करेगा। मनु के उत्तम वंश में हमारा जन्म हुआ, राजकुमार होने की सुविधा हमें निश्चित सुलभ थी, फिर भी वन में हम असीम दुख भोग रहे हैं। सुमित्रे, तुम भी राजसी भोग का प्रत्याग करके दुर्देव की प्रेरणा से मेरे साथ निकल पड़े। लो अब ये कठिन कष्ट भोगो। लक्ष्मण, विदेह कुमारी सीता बचपन के स्वभाववश हमारे साथ चल पड़ी। दुरात्मा देव ने उस सुंदरी को भी ऐसे दुष्टर दुख देने वाली दिशा में ला पटका। रावण के घर में वह सुंदरी सीता कैसे दुखदायी समय व्यतीत करेगी। उस साध्वी के सभी आचार बड़े पवित्र हैं, मुझ पर वे अपार प्रेम रखती है। लक्ष्मण, सीता रावण के वश में कभी भी नहीं हो सकती। भला जनक के घर उत्पन्न ही वह सुंदरी दुराचारिणी स्त्री की भांति कैसे रह सकती है। भरत अनुज, यदि रावण का घोर नियंत्रण हुआ तो जानकी अपने प्राणों को त्याग देगी, किंतु उसके अधीन नहीं होगी, ये बिल्कुल निश्चित बात है। वीर लक्ष्मण, कदाचित जानकी का जीवन समाप्त हो गया तो मेरे भी प्राण शीर से बाहर निकल जाएंगे, ये ध्रुव सत्य है। इस प्रकार कमल लोचन भगवान राम विलाप कर रहे थे, तब धर्मात्मा लक्ष्मण ने उन्हें आश्वासन देते हुए सत्यता पूर्वक कहा, महाबाहो, संप्रति इस दैत्य भाव का प्रत्याग करके धैर्य रखिए। मैं उस नीच राक्षस को रावण को मारकर माता जानकी को ले आऊंगा। जो विपत्ति और संपत्ति दोनों स्थितियों में धैर्य धारण करके एक समान रहते हैं, वे ही बुद्धिमान हैं। कष्ट और वैभव प्राप्त होने पर उनमें रचे पचे रहना ये मंद बुद्धिमानों का काम है। संयोग और वियोग तो होते ही रहते हैं, इसमें शोक क्यों करना चाहिए। जैसे प्रतिकूल समय प्राप्त होने पर राज्य से वंचित होकर वनवास हुआ है, सीता हरी गई है, वैसे ही अनुकूल समय आने पर संयोग भी हो जाएगा। भगवान, इसमें कुछ भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अतः अब आप शोक का परित्याग कीजिए। बहुत से वानर हैं, श्री जानकी जी को खोजने के लिए वे चारों दिशाओं में जाएंगे। उनके प्रयास से माता जानकी अवश्य आ जाएगी, क्योंकि रास्ते के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाने पर मैं वहां जाऊंगा और पूरी शक्ति लगाकर उस नीच रावण को मारने के पश्चात जानकी को ले आऊंगा। अथवा भैया, सेना और शत्रुघ्न सहित भरत जी को बुलाकर हम तीनों एक साथ होकर शत्रु रावण को मार डालेंगे। अतः आप शोक मत कीजिए। राघव, प्राचीन समय की बात है, महाराज रघु एक ही रथ पर बैठे
और उन्हें संपूर्ण दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली। उन्हीं के कुल दीपक आप हैं, अतः आपका शोक करना किसी प्रकार शोभा नहीं देता। मैं अकेला ही अखिल देवताओं और दानों को जीतने की शक्ति रखता हूँ, फिर मेरे सहायक भी हैं, तब कुल अधम रावण को मारने में क्या संदेह है। मैं जनक जी को भी सहायक रूप में बुला लूंगा। रघुनंदन, मेरे इस प्रयास से देवताओं का कंटक दुराचारी व रावण अवश्य प्राणों से हाथ धो बैठेगा। राघव, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख चक्के की भांति निरंतर आते जाते ही रहते हैं। सदा कोई एक स्थिति नहीं रह सकती जिसका अत्यंत दुर्बल मन सुख और दुख की परिस्थिति में तद अनुकूल हो जाता है, वह शोक के अथाह समुद्र में डूबा रहता है, उसे कभी भी सुख नहीं मिल सकता। आप तो इससे परे हैं। रघुनंदन, बहुत पहले की बात है, इंद्र को भी दुख भोगना पड़ा था। संपूर्ण देवताओं ने मिलकर उनके स्थान पर नहुष की नियुक्ति कर दी थी। वे अपने पद से वंचित होकर डरे हुए कमल के कोष में बैठे रही। बहुत वर्षों तक उनका अज्ञातवास चलता रहा, पर समय बदलते ही इंद्र को फिर अपना स्थान प्राप्त हो गया। मुनि के शाप से नहुष की आकृति अजगर के समान हो गई, उसे धरातल पर गिर जाना पड़ा। जब उस नरेश के मन में इंद्राणी को पाने की प्रबल इच्छा जाग उठी और वह ब्राह्मणों का अपमान करने लगा, तब अगस्त जी कुपित हो गई। इसके परिणाम स्वरूप नहुष को सर्प योनि मिली। अतः राघव, दुख की घड़ी सामने आने पर शोक करना समीचीन नहीं है। विज्ञ पुरुष को चाहिए इस स्थिति में मन को उद्यमशील बनाकर सावधान होकर, महाभाग, आपसे कोई बात छिपी नहीं है। जगत प्रभु, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, फिर साधारण मनुष्य की भांति मन में इतना क्यों गुरुतर शोक कर रहे हैं। तो व्यास जी कहते हैं, लक्ष्मण के उपयुक्त वचन से भगवान राम का विवेक विकसित हो उठा, हमें अत्यंत शोक से रहित होकर निश्चिंत हो गए। इस प्रकार भगवान राम और लक्ष्मण परस्पर विचार करके मौन बैठे थे। इतने में ही महाभाग नारद ऋषि आकाश से उतर आए। उस समय उनकी स्वर और ग्राम से विभूषित विशाल वीणा बज रही थी। वे रथंतर शाम को उच्च स्वर से गा रहे थे। मुनि जी भगवान राम के पास पहुँच के उन्हें आया देखकर अमित तेजस्वी श्री राम उठ खड़े हुए। उन्हें मुनि को श्रेष्ठ पवित्र आसन दिया, पाद्य रथ की व्यवस्था की, भली भांति पूजा करने के उपरांत हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर मुनि के आज्ञा देने पर उनके पास ही भगवान बैठ गए। उस समय छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके पास थे। उन्हें मानसिक कष्ट तो था ही, मुनिवर नारद ने प्रीतिपूर्वक उनसे कुशल पूछी, साथ ही कहा, राघव, तुम साधारण जनों की भांति क्यों इतने दुखी हो? दुरात्मा रावण ने सीता को हर लिया है, ये बात तो मुझे ज्ञात है। मैं देवलोक में गया था, वहीं मुझे ये समाचार मिला। अपने मस्तक पर मंडराती हुई मृत्यु को ना जानने से ही मोहवश उसकी इस कुकारे में प्रवृत्ति हुई है। रावण का निधन ही तुम्हारे अवतार का प्रयोजन है, इसलिए सीता का हरण हुआ है। जानकी पूर्व जन्म में मुनि की पुत्री थी, तप करना इसका स्वाभाविक गुण था। ये साधी वन में तपस्या कर रही थी, उसे रावण ने देख लिया। राघव, उस दुष्ट ने मुनि कन्या से प्रार्थना की, तुम मेरी भार्या बन जाओ। मुनि कन्या द्वारा घोर अपमानित होने पर दुरात्मा रावण ने उस तापसी का जूड़ा बलपूर्वक पकड़ लिया। अब तो तपस्विनी की क्रोध अग्नि भड़क उठी, मन में आया इसके स्पर्श किए हुए शीर को छोड़ देना ही उत्तम है। उसी समय उस तापसी ने रावण को शाप दिया, दुरात्मन, तेरा संहार करने के लिए मैं धरातल पर एक उत्तम स्त्री के रूप में प्रकट होंगी। मेरे अवतार में माता के गर्भ से कोई संबंध नहीं रहेगा। इस प्रकार कहकर वह उस तपस्वी तापसी ने शीत त्याग दिया। वही ये सीता है जो लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई है। ब्रह्मवश सर्प को माला समझकर अपनाने वाले व्यक्ति की भांति अपने वंश का उच्छेद कराने के लिए ही रावण ने इसको हरा है। राघव, देवताओं ने रावण वध के लिए सनातन भगवान श्री हरि से प्रार्थना की थी। परिणाम स्वरूप रघुकुल में तुम्हारे रूप में श्री हरि का प्राकट्य हुआ है। महाबाहो, धैर्य रखो,
सदा धर्म में तत्पर रहने वाली साध्वी सीता किसी के वश में नहीं हो सकती, उसका मन निरंतर तुम्हारे ध्यान में संलग्न है। सीता के पीने के लिए स्वयं इंद्र एक पात्र में रखकर कामधेनु का दूध भेजते हैं और उस अमृत के समान मधुर दूध को वह पीती हैं। कमल पत्र के समान विशाल नेत्र वाली सीता को स्वर्गीय सुरभि गौ का दुग्ध पान करने से भूख और प्यास का किंचन मात्र भी कष्ट नहीं है, यह स्वयं मैंने देखा है। राघव, अब मैं रावण वध का उपाय बताता हूं। इस अश्विनी महीने में तुम श्रद्धा पूर्वक नवरात्र का अनुष्ठान करने में लग जाओ। राम, नवरात्र में उपवास, भक्ति का आराधन तथा सविधि जप पर होम संपूर्ण सिद्धियों का दान करने वाला है। बहुत पहले ब्रह्मा, विष्णु, महेश और स्वर्गवासी इंद्र तक इस नवरात्र का अनुष्ठान कर चुके हैं। राम, तुम सुखपूर्वक यह पवित्र नवरात्र व्रत करो। किसी कठिन परिस्थिति में पड़ने पर पुरुष को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। राघव, विश्वामित्र, भृगु, वशिष्ठ और कश्यप द्वारा इस व्रत का अनुष्ठान हो चुका है, यह निश्चित बात है। अतः राजेंद्र, तुम रावण वध के निमित्त इस व्रत का अनुष्ठान अवश्य करो। वृतासुर का वध करने के लिए इंद्र तथा त्रिपुर वध के लिए भगवान शंकर भी इस सर्वोत्कृष्ट व्रत का अनुष्ठान कर चुके हैं। महामति, मधु को मारने के लिए भगवान श्री हरि ने सुमेरु गिरी पर यह व्रत किया था। अतः राघव, सावधानी पूर्वक विधि के साथ तुम्हें भी यह व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान राम ने पूछा, दयानिधि, आप सर्व ज्ञान संपन्न हैं, विधि पूर्वक ये बताने की कृपा करें कि वे कौन देवी है, उसका क्या प्रभाव है, वे कहां से अवतरित हुई है तथा उन्हें किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो नारद जी बोले, राम सुनो, वह देवी आध्या शक्ति है, सदा सर्वदा विराजमान रहती है, उसकी कृपा से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, आराधना करने पर दुखों को दूर करना उसका स्वाभाविक गुण है। रघुनंदन, ब्रह्मा प्रभृति संपूर्ण प्राणियों के निमित्त कारण वही है, वह शक्ति के बिना कोई भी हिलडुल तक नहीं सकता। मेरे पिता ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शंकर संहार करते हैं, इनमें जो मंगलमय शक्ति भासित होती है वही ये देवी है। त्रिलोकी में जो सत असत कहीं कोई भी वस्तु सत्तात्मक रूप से विराजमान है, उसकी उत्पत्ति में निमित्त कारण इस देवी के अतिरिक्त और कौन हो सकता है। जिस समय किसी की भी सत्ता नहीं थी, उस समय भी इस प्रकृति शक्ति देवी का परिपूर्ण विग्रह विराजमान था। इसी की शक्ति से एक पुरुष प्रकट होता है और उसके साथ वे आनंद में निमग्न रहती है। ये युग के आरंभ की बात है, उस समय यह कल्याणी निर्गुण कहलाती है। इसके बाद वह देवी सगुण रूप से विराजमान होकर तीनों लोकों की सृष्टि करती है। इसके द्वारा सर्वप्रथम ब्रह्मा आदि देवताओं का सृजन और उनमें शक्ति का आगमन होता है। इस देवी के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाने पर प्राणी जन्म मरण रूपी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इस देवी को जानना परम आवश्यक है, वेद इसके बाद प्रकट हुए हैं, अर्थात वेदों की रचना करने का श्रेय इसी को है। ब्रह्मा आदि महान भावों ने गुण और कर्म के भेद से इस देवी के अनंत नाम बतलाए हैं और वैसे ही कल्पना भी की है। मैं कहाँ तक वर्णन करूँ रघुनंदन, अ अकार से क्ष कार पर्यंत जितने वर्ण और स्वर प्रयुक्त हुए हैं, उनके द्वारा भक्ति के असंख्य नामों का ही संकलन होता है। भगवान राम ने कहा, पिप्रवार, आप इस व्रत की संक्षिप्त विधि बताने की कृपा करें, क्योंकि अब मैं प्रीतिपूर्वक श्री देवी की उपासना करना चाहता हूं। तो श्री नारद जी बोले, राम, समतल भूमि पर एक सिंहासन रखकर उस पर भक्ति जगदम्बा का पधराव और 9 रात तक उपवास करते हुए उनकी आराधना करो, पूजा सविधि होनी चाहिए। राजन, मैं इस कार्य में आचार्य का काम करूंगा, क्योंकि देवताओं का कार्य शीघ्र सिद्ध हो इसके लिए मेरे मन में प्रबल उत्साह हो रहा है। तो व्यास जी कहते हैं, परम प्रतापी भगवान राम ने मुनिवर नारद के कथन को सुनकर
उसे सत्य माना, एक उत्तम सिंहासन बनवाने की व्यवस्था की और उस पर कल्याणमय भक्ति जगदम्बा के विग्रह को पधराया। व्रती रहकर भगवान जी ने विधि विधान के साथ देवी पूजन किया। उस समय अश्विनी मास आ गया था। उत्तम किष्कंधा पर्वत पर यह व्यवस्था हुई थी। 9 दिनों तक उपवास करते हुए भगवान राम इस श्रेष्ठ व्रत को संपन्न करने में संलग्न रहे। विधिवत होम पूजन आदि की विधि भी पूरी की गई। नारद जी के बताए हुए इस व्रत को राम और लक्ष्मण दोनों भाई प्रेम पूर्वक करते रहे। अष्टमी तिथि को आधी रात के समय भक्ति प्रकट हुई। पूजा होने के उपरांत भक्ति सिंह पर बैठी हुई पधारी और उन्होंने श्री राम लक्ष्मण को दर्शन दिए। पर्वत के ऊंचे शिखर पर विराजमान होकर भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों के प्रति मेघ के समान गंभीर वाणी में वे कहने लगी। भक्ति की भावना ने भक्ति को परम प्रसन्न कर दिया था। देवी ने कहा, विशाल भुजा से शोभा पाने वाले श्री राम, अब मैं तुम्हारे व्रत से अत्यंत संतुष्ट हूं। जो तुम्हारे मन में हो वे अभिलक्षित वर मुझसे मांग लो। तुम भगवान नारायण के अंश से प्रकट हुए हो। मनु के पावन वंश में तुम्हारा अवतार हुआ है। रावण वध के लिए देवताओं के प्रार्थना करने पर ही तुम अवतरित हुए हो। इसके पूर्व भी मत्स्य अवतार धारण करके तुमने भयंकर राक्षस का संहार किया था। उस समय देवताओं का हित करने की इच्छा से तुमने वेदों की रक्षा की थी। फिर कच्छप रूप से प्रकट होकर मंदराचल को पीठ पर धारण किया। यो समुद्र का मंथन करके देवताओं को अमृत द्वारा शक्ति संपन्न बनाया। राम, तुम वरारूप से भी प्रकट हो चुके हो। उस समय तुमने पृथ्वी को दांत के अग्रभाग पर उठा रखा था। तुम्हारे हाथों हिरण्याक्ष की जीवन लीला समाप्त हुई थी। नरसिंह रूप धारण करके तुम हिरण्यकश्यप को मार चुके हो। रघुकुल में प्रकट होने वाले श्री राम, तुमने नरसिंह अवतार में प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकश्यप को मारा। प्राचीन समय में वामन का विग्रह धार कर तुमने बलि को छला। उस समय देवताओं का कार्य साधन करने वाले तुम इंद्र के छोटे भाई होकर विराजमान थे। भगवान विष्णु के अंश से संपन्न होकर जमदग्नि के पुत्र होने पर अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ। उस अवतार में क्षत्रियों को मारकर तुमने पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी। रघुनंदन, उसी प्रकार इस समय तुम राजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप से प्रकट हुए हो। तुम्हें अवतार लेने के लिए संपूर्ण देवताओं ने प्रार्थना की थी, क्योंकि उन्हें रावण महान कष्ट दे रहा था। राजन, अत्यंत बलशाली ये सभी वानर देवताओं के ही अंश हैं। ये तुम्हारे सहायक होंगे। इन सब में मेरी शक्ति निहित है। अनघ, तुम्हारा ये छोटा भाई लक्ष्मण शेषनाग का अवतार है। रावण के पुत्र मेघनाथ को ये अवश्य मार डालेगा। इस विषय में तुम्हें कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। अब तुम्हारा परम कर्तव्य है इस वसंत ऋतु के नवरात्र में असीम श्रद्धा के साथ उपासना में तत्पर हो जाओ। तदंतर पापी रावण को मारकर सुखपूर्वक राज्य भोगो। 11,000 वर्षों तक धरातल पर तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। राघवेंद्र, राज्य भोगने के पश्चात पुनः तुम अपने परम धाम को सिधारोगे। तो व्यास कहते हैं, इस प्रकार कहकर भक्ति अंतर ध्यान होगी। भगवान राम के मन में प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। नवरात्र व्रत समाप्त करके दशमी के दिन भगवान राम ने यात्रा कर दी। प्रस्थान के पूर्व विजयदशमी की पूजा का कार्य संपन्न किया। जानकी वल्लभ भगवान श्री राम की कीर्ति जगत प्रसिद्ध है। वे पूर्ण काम हैं। प्रकट होकर परम शक्ति की प्रेरणा करने पर सुग्रीव के साथ श्री राम समुद्र के तट पर गए। साथ में लक्ष्मण जी थे। फिर समुद्र में पुल बांधने की व्यवस्था करके देव शत्रु रावण का वध किया। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी के इस उत्तम चरित्र का श्रवण करता है, उसे प्रचुर भोग भोगने के पश्चात परम पथ की उपलब्धि होती है। श्रीमद् देवी भागवत का 3रा स्कंद समाप्त। श्रीमद् देवी भागवत चौथा स्कंद। जन्मेजय और व्यास जी के अवतार विषयक प्रश्नोत्तर। कश्यप जी को वरुण और ब्रह्मा का शाप तथा अदिति को दिति का शाप। जन्मेजय ने कहा, मुनिवर व्यास जी,
आप संपूर्ण ज्ञानों के अटूट भंडार हैं। आपका अंतःकरण परम पवित्र है। आपकी कृपा से ही हमारे कुल की वृद्धि हुई है। प्रभु, मैंने सुना है जो बड़े प्रतापी थे, जिनके यहां स्वयं भगवान पुत्र रूप से अवतार हुआ था, देवगण भी जिनका सत्कार करते थे और आनक धुंध भी जिनसे जिनकी प्रसिद्धि थी, वे शूर सैन नंदन महाभाग वसुदेव जी सदा धर्म का पालन करते हुए भी कंस के कारागार में बंदी बनाए गए। अपनी धर्मपत्नी देवकी के साथ उन्होंने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया था? फिर देवकी के 6 बालक क्यों मारे गए? कंस भी तो याति का वंशज था, उसके द्वारा ये घृणित काम कैसे बन गया? कारागार में भगवान श्री हरि के अवतार लेने का क्या कारण है? इस कारण भगवान श्री कृष्ण के अवतार तथा पांडवों के संबंध में बहुत सी शंकाएं करके जन्मेजय फिर बोले, क्षत्रिय के मन से उत्पन्न कोई भी मानव ब्राह्मण से द्वेष नहीं करता। मुनि, फिर मेरे पिताजी मौन रहकर तपस्वी जीवन व्यतीत करने वाले ब्राह्मण के द्वेषी कैसे बन गए? ध्यानिधि, ये तथा अन्य भी बहुत से संशयग्रस्त प्रसंगों से मेरा मन बहुत व्याकुल हो गया है। साधो, आप पिता तुल्य हैं। संपूर्ण विषयों की जानकारी आपको सुलभ है, अतः आप मेरे चित्त को शांत करने की कृपा कीजिए। तो सूर्य जी कहते हैं, इस प्रकार परीक्षित कुमार जन्मेजय ने सत्यवती नंदन व्यास जी से पूछा, चुप होकर बैठ के। तब प्राणों के पूर्ण जानकार एवं प्रवचन करने में कुशल व्यास जी ने उनके प्रति संदेह दूर करने वाले इस प्रकार वचन कही। व्यास जी बोले, राजन, इस विषय में क्या कहा जाए? कर्म की गति बड़ी गहन है। देवता तक इसकी जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ हैं। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। जब से यह त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, तभी से कर्म का संबंध है। सबकी उत्पत्ति में कर्म ही कारण है। यद्यपि जीव स्वरूपता जन्म और मरण से रहित है, फिर भी कर्म रूपी बीज के प्रभाव से अनेक योनियों में बार बार जन्मते और मरते रहते हैं। कर्म समाप्त हो जाने पर जीव का देह से संबंध कभी नहीं हो सकता। उत्तम निंद्य और उत्तम निंद्य मिश्रित इन तीनों गुणों से यह जगत व्याप्त है। जो तत्व के रहस्य को जानने वाले विद्वान हैं, उनके द्वारा भी कर्मों का भेद 3 प्रकार से ही बताया गया है। वे 3 प्रकार के कर्म संचित, प्रारब्ध और वर्तमान हैं। इस देह में कर्मों की नीन गतियों का सम्मिश्रण रहता है। राजन, ब्रह्मा आदि सभी उस कर्म के अधीन हैं। महाराज, सुख दुख जरा मृत्यु हर्ष शोक काम क्रोध तथा लोभ, ये सभी देह से संबंध रखने वाले गुण हैं। प्रारब्ध की प्रेरणा से सब पर वे अपना प्रभाव डालते हैं। राग द्वेष आदि भावों से स्वर्ग भी खाली नहीं है, क्योंकि देवताओं मनुष्यों और पशुओं सबसे ये संबंध रखते हैं। इन सभी विकारों का देह से ही संबंध रहता है। पूर्व जन्म में किए हुए वैर और स्नेह के अनुसार वे शरीर में आश्रय पाते हैं। कर्म शेष न रहने पर प्राणियों की उत्पत्ति सर्वथा संभव है। कर्म के विषय में यह कारण नित्य माना जाता है, इसी से चराचर संपूर्ण जगत को साधारण जन नित्य समझते हैं। किंतु जगत नित्य है या अनित्य, इस विचार में मुनिगण निरंतर निमग्न रहते हैं, फिर भी जान नहीं पाते कि यह जगत नित्य है अथवा नित्य ही, क्योंकि माया के साम्राज्य में यह जगत नित्य प्रतीत होता है। कारण के रहते हुए कार्य का अभाव कैसे कहा जा सकता है? राजन, कर्म बंधन में जकड़ा हुआ यह अखिल जगत परिवर्तनशील तो है ही, जीव को नीच योनियों में भी जाना पड़ता है। यदि जीव स्वतंत्र होता तो यह परिस्थिति सामने क्यों आती?
भला स्वर्ग में रहने और अनेक प्रकार के सुख भोगने की सुविधा को छोड़कर विष्ठा एवं मूत्र के भंडार में भयभीत होकर रहना कौन चाहता है? फूलों से खेलने, जल विहार करने और सुखदायी आसन पर बैठने के आनंद का परित्याग करके किस बुद्धिमान व्यक्ति को घर में वास करना अभिष्ट है? दिव्य शैया और कोमल तकिए को छोड़कर गर्भ में ऊंधे मुंह लेटे रहना किस विज्ञ पुरुष को अभिष्ट है? अनेक भावों में संपन्न संगीत, नृत्य और वाद्य को छोड़कर कौन ऐसा है जिसके मन में भी नरकवास का विचार उठ सकता है? कौन ऐसा विवेकी मानव है जो लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त उत्तम रस को छोड़कर अत्यंत त्याज्य विष्टा मूत्र से संयुक्त रस पीना चाहता है? त्रिलोकी में गर्भवास से बढ़कर दूसरा कोई नरक नहीं है। गर्भवास से भयभीत होकर मुनि लोग कठिन तपस्या में तत्पर हो जाते हैं। राज्य और उत्तम भोग का परित्याग करके वन में जाने की प्रवृत्ति इसलिए मनस्वी व्यक्तियों के मन में हो जाती है। उपयुक्त सुयोग्य व्यक्ति भी जिससे डर जाते हैं उस गर्भवास को और कौन चाहेगा? गर्भ में कीड़े काटते हैं, नीचे से जठरग्नि ताप पहुंचाती है, निर्दयता पूर्वक बंधे रहना पड़ता है। राजन, ऐसे गर्भ में कैसा सुख? कारागार में रहना उत्तम, लोहे की जंजीरों से बंधे रहना ठीक, किंतु क्षण भर भी गर्भ में रहना कदापि उत्तम नहीं है। गर्भ में 10 महीने तक रहकर महान कष्ट भोगना पड़ता है। गर्भ से बाहर निकलते समय भी वैसे ही कठिन परिस्थिति सामने आती है, क्योंकि निकलने का मार्ग तो योनि यंत्र है। वह स्वयं दारुण है, फिर बचपन में भी बोलने और जानने की शक्ति न रहने के कारण दुख भोग में पड़ते हैं। भूख और प्यास की वेदना अलग सताती है, स्वयं वह कुछ नहीं कर सकता, अत्यंत घबराया रहता है। जब बालक भूख से रोता है तब माता पिता के मनों में बेचैनी हो जाती है। वे समझते हैं कोई कठिन रोग हो गया है जिसकी व्यथा से बच्चा रो रहा है। इससे माता के मन में बच्चे को दवा पिलाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। यूं बचपन में नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं, फिर विवेकी पुरुष किस सुख को देखकर स्वयं जन्म लेने की इच्छा कर सकते हैं? देवताओं के साथ निरंतर सुख भोगने की सुविधा छोड़कर सुख विघातक एवं खेद उत्पन्न करने वाला काम करना कौन मूर्ख चाहता है? नृपवर, देवता, मनुष्य एवं पशु आदि का शीत धारण करके किए हुए अच्छे बुरे कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। तप, यज्ञ और दान के प्रभाव से मनुष्य इंद्र बन सकता है और पुण्य समाप्त हो जाने पर इंद्र भी धरातल पर आते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जब भगवान ने श्री राम अवतार धारण किया था तब उनके संपर्क से देवता वानर बनकर पृथ्वी पर विचरे। श्री कृष्ण अवतार में सहायता करने के लिए देवताओं को यादव बनना पड़ा। इस प्रकार विविध योनियों में भगवान जी के अनेकों अवतार होते हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। रथ के चक्के की भांति भगवान जी के अवतार क्रम की गति बड़ी ही विलक्षण है। दैत्यों का वध करना भगवान का निजी काम है। ये महान पुरुष हैं, कभी अंश से और कभी अंश के अंश से पृथ्वी पर पधार कर इस कार्य को संपन्न करते हैं। अतः अब मैं श्री कृष्ण अवतार की पवित्र कथा कहूँगा। स्वयं भगवान विष्णु ही यदुकुल में अवतरित हुए थे। प्रतापी वसुदेव जी कश्यप मुनि के अंश थे। इन्हें पूर्व समय में शाप लग गया था राजन, उसी के फलस्वरूप इन्हें गोवृत्ति स्वीकार करनी पड़ी। मुनिवर कश्यप के 2 पत्नियां थी, अदिति और सुरसा। भरत श्रेष्ठ, यही देवकी और रोहिणी इन दोनों बहनों के रूप में प्रकट हुई। वरुण ने क्रोधवश इन्हें घोर शाप दे दिया था। इसी शाप के कारण इन स्त्री पुरुष सभी को इस धरातल पर जन्म लेना पड़ा। राजा जनमजी ने पूछा, महामते, मुनिवर कश्यप जी के द्वारा कौन सा अपराध हो गया जिससे उन्हें वरुण ने शाप दे दिया और पत्नियों सहित वे जगत में क्यों पधारे, ये बताने की कृपा करें।
रमापति भगवान विष्णु सदा वैकुंठ में विराजमान रहते हैं, वे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, गोकुल में उनकी अवतरित होने का क्या कारण है। भगवान नारायण अविनाशी परम प्रभु हैं, संपूर्ण देवताओं पर उनका आधिपत्य है, युग के आदि में सबको वे धारण किया करते हैं, उन पर किसका शासन रहता है। वे भगवान श्री हरि अपना दिव्य धाम छोड़कर क्यों कर्मशील व्यक्ति की भांति आचरण करने लगते हैं। मानव कुल में उनके प्रकट होने का क्या कारण है, इस विषय में मुझे महान शंका उत्पन्न हो रही है। भगवान विष्णु शाश्वत सुख का प्रत्याग करके मानव शरीर स्वीकार करते हैं, इसका क्या प्रमाण है। मुनिवर, किस मानव सुख को उत्तम समझकर भगवान भूमि पर पधारे। परम ब्रह्म श्री हरि ने राम अवतार धारण किया था, उस समय वे भयंकर वन में गए और वहां उन्हें गुरुतर दुख भोगना पड़ा। सीता से वियोग हुआ, इसका दुख संग्राम जनित दुख, और फिर सीता त्याग दी गई। ये दुख इस प्रकार वे महान पुरुष होते हुए ही बार बार दुख का अनुभव करते रहे। वैसे ही श्री कृष्ण अवतार में भी हुआ, कारागार में जन्म हुआ, फिर वे गोकुल में पहुंचाए गए, वहां उन्हें गौएं चरानी पड़ी, कितना कष्ट सहकर कंस को मारा और फिर द्वारका के लिए प्रस्थित हो गए। यह भगवान ने अनेक दुखों का सामना किया, ये क्यों। मुनि, आप सर्वज्ञान संपन्न हैं, मेरे चित्त में उठे हुए संदेह को शीघ्र दूर करने की कृपा करें। तो व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु का अवतार होता है, इसमें विविध कल्पों में लीला जगत के बहुत से कारण होते हैं। भगवान जी के साथ देवता भी अपने अंश से धरातल पर आते हैं, इसमें भी कारण होते हैं। पहले वासुदेव देवकी और रोहिणी के अवतार का कारण बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय की बात है, श्रीमान कश्यप जी यज्ञ संपन्न करने के लिए वरुण के दिव्य गाय ले आए थे। वरुण ने बहुत प्रार्थना की, किंतु कश्यप ने गौ को लौटाया नहीं। तब वरुण जगत प्रभु ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने उनको प्रणाम किया और अत्यंत कातर होकर विनय पूर्वक अपना दुख प्रकट करते हुए कहा, महाभाग मैं क्या करूं, बहुत प्रार्थना करने पर भी कश्यप मेरी गौ नहीं लुटा रही है, अतः मैंने उनको शाप दे दिया है कि तुम मानव वंश में गोपाल होकर जीवन व्यतीत करो, तुम्हारी दोनों स्त्रियां भी वही जन्म ग्रहण करें। इससे मेरी गाय के अभाव में बछड़े अत्यंत दुखी होकर डकरा रहे हैं, उसी के फलस्वरूप अदिति को मृत वस्सा होकर धरातल पर जाना पड़ेगा। वे कारागार में रहेगी, इसके कारण भी उसे अपार कष्ट भोगने पड़ेंगे। व्यास कहते हैं, वरुण की ये बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने कश्यप मुनि को बुलाया और कहा, महाभाग तुम लोकपाल वरुण की गौ उन्हें देते क्यों नहीं। महाभाग तुमसे कोई बात अविदित नहीं है, तुम बड़े बुद्धिमान हो, न्याय जानते हुए भी ऐसे कार्य में तुम्हारी प्रवृत्ति कैसे हो गई। लोभ बड़ा बलवान है, यह किसी को नहीं छोड़ता, इसके प्रभाव से नरक की प्राप्ति होती है, अनेकों पाप बन जाते हैं, किसी ने भी इसका समर्थन नहीं किया है। कश्यप भी उस लोभ का प्रत्याग करने में असमर्थ रहे, उन शांत स्वभाव मुनियों को धन्यवाद है जिन्होंने लोक को जीत लिया है। वे मन में रहते हैं, उनके मन में सदा शांति बनी रहती है, कभी दान स्वीकार नहीं करते, संसार में सबसे बलवान शत्रु लोभ है, ये सदा अपवित्र बनाए रखता है। इस नीच लोभ से स्नेह होने के कारण कश्यप का विचार भी भ्रष्ट हो गया है। यों कहने के पश्चात ब्रह्मा ने भी मुनिवर कश्यप को शाप दे दिया। यद्यपि कश्यप जी ब्रह्मा जी के प्रति भाजन पुत्र थे, फिर भी धर्म की मर्यादा का रक्षण करने के लिए ब्रह्मा जी इस कार्य में प्रवृत्ति हो ही गई। कहा, कश्यप तुम अपने अंश से पृथ्वी पर जाओ, तुम्हें यदुकुल में जन्म लेना होगा, दोनों पत्नियां तुम्हारे साथ रहेंगी, वहां तुम गोपाल बनकर रहोगे। तो व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार वरुण और ब्रह्मा दोनों के शाप देने पर भूमि का भार हल्का करने के निमित्त कश्यप जी अपने अंश से अवतरित हुए।
ऐसे ही अत्यंत शोक से संतप्त होकर दिति ने अदिति को शाप दे दिया, जन्म लेते ही तुम्हारे सात पुत्र प्राणों से हाथ धो बैठेगी। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, दिति और अदिति दोनों सगी बहनें थी, फिर अत्यंत शोकातुर होकर दिति ने अदिति को शाप क्यों दे दिया? मुने, इसका कारण बताने की कृपा कीजिए। उन्हें शोक क्यों हुआ था? तो सूत जी कहते हैं, राजा जन्मेजय के पूछने पर व्यास जी सम्यक प्रकार से सावधान होकर शाप का कारण बताने लगे। व्यास जी बोले, राजन, दक्ष प्रजापति की दो कन्याएं थी, दिति और अदिति। दोनों का स्वभाव बड़ा उत्तम था। कश्यप जी की प्रेसी भार्या होने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। अदिति के पुत्र प्रतापी इंद्र हुए। जैसे इंद्र थे, वैसे ही पुत्र के लिए दिति के मन में भी इच्छा उत्पन्न हुई। तब सुंदरी दिति ने कश्यप जी से प्रार्थना की, मानद, आप मुझे इंद्र के समान पराक्रमी, धर्मात्मा और शक्तिशाली वीर पुत्र देने की कृपा करें। मुनिवर, कश्यप ने कहा, प्रिय, धैर्य रखो, मेरे कहे अनुसार व्रत करने पर इंद्र के समान पराक्रमी पुत्र तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मुनि की उपयुक्त बात सुनकर दिति उस उत्तम व्रत के पालन में तत्पर होगी। मुनि के प्रसाद से उसके सुंदर गर्भ स्थापित हो गया। उस प्यो व्रत में संलग्न होकर दिति भूमि पर सोती थी, पवित्रता का पूर्ण रूप से पालन करती थी। यो क्रमशः जब वह महान तेजस्वी गर्भ पूर्ण हो गया, तब दिति के शीर से ज्योति फैलने लगी। उसे देखकर अदिति के मन में अपार दुख हुआ। उसने सोचा, यदि दिति इंद्र के समान महान पराक्रमी पुत्र की जननी हो गई तो मेरा पुत्र अवश्य निस्तेज हो जाएगा। इस चिंता से चिंतित होकर माननीय अदिति ने अपने पुत्र इंद्र से कहा, अब तुम्हारा अत्यंत प्रतापी शत्रु दिति के गर्भ से उत्पन्न हो रहा है, तुम अभी से समझ बूझ कर उपाय में लग जाओ। प्यारे पुत्र, तुम्हारे द्वारा ऐसा यत्न होना चाहिए कि दिति की गर्भ उत्पत्ति ही अच्छिन्न हो जाए, उच्छिन्न हो जाए। वह सुंदरी दिति सोथिया डा करने पर आतुली है, उसे देखकर मैं चिंतित होगी हूं। सुख के मर्म को मिटा देने वाली भारी चिंता मेरे हृदय में चोट पहुंचा रही है। बेटा, तुम बड़े भाग्यशाली हो। यदि तुम मेरा प्रिय कार्य करना चाहते हो तो साम, दान अथवा बल, किसी भी उपाय का प्रयोग करके दिति के गर्भ का संहार कर डालो। व्यास जी कहते हैं, माता अदिति की बात सुनकर देवराज इंद्र ने कुछ समय तक मन में विचार किया। तत्पश्चात वे अपनी भी माता अदिति के पास चले गए। उस समय इंद्र की बुद्धि में पाप बस गया था। उन्होंने विनयपूर्वक दिति के चरणों में मस्तक झुकाया और जिनके भीतर कूट कूट कर विष भरा हुआ था, ऐसे बाह्य मधुर वचनों से नम्रता के साथ वे कहने लगे। इंद्र बोले, माता, तुम व्रत कर रही हो, तुम्हारा शीर क्षीण हो चुका है, तुमने अत्यंत दुर्बलता आ गई है। मैं सेवा करने के विचार से यहां आया हूं, आज्ञा दो, मैं तुम्हारी कौन सी उचित सेवा करूं? पतिव्रते, मैं तुम्हारे चरण दबाऊंगा। बड़ों की सेवा से पुरुष को वह पवित्र गति मिलती है जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। जैसे मेरी माता अदिति है, वैसे ही तुम भी हो। ये वचन कहकर इंद्र ने दिति के दोनों पैर पकड़ लिए और उन्हें सहलाने लगे। दिति परम साध्वी थी, उसके नेत्र बड़े सुंदर थे। इंद्र द्वारा धीरे धीरे पैर दबाए जाने पर व्रत करने से थकी हुई दिति को बड़ा आराम मिला, अतः उसे नींद खींचने लगी। उस समय इंद्र उनके पूर्ण विश्वास पात्र बन चुके थे। इधर इंद्र ने दिति को नींद में अचेत देखकर अपना अत्यंत छोटा सा रूप बनाया और हाथ में अस्त्र लेकर बड़ी सावधानी के साथ वे उनके शरीर में घुस गए। योग बल के प्रभाव से वे उधर में चले गए और तुरंत वज्र द्वारा उस गर्भ को सात भागों में उन्होंने काट डाला। वज्र से चोट पहुंचाए जाने पर वह गर्भस्थ बालक रोने लगा। तब इंद्र ने बड़े धीमे स्वर में कहा, मा रुद, अर्थात रो मत, राजन, वे सातों टुकड़े इंद्र के द्वारा पुनः सात सात भागों में काट दिए गए। फिर तो उन चास पवनों के रूप में उस गर्भस्थ बालक की सत्ता स्थिर हो गई। इतना कांड हो जाने पर सुंदरी दिति की नींद टूटी। गर्भ के काटे जाने पर वास्तविक रहस्य उसे ज्ञात हो गया। समझ लिया, इंद्र ने धोखा दिया है,
उनके मन में बड़ा आघात हुआ। मैं क्रोध से भर गई। इस घृणित कार्य में मेरी बहन अदिति का हाथ है, ये जानकर सत्यव्रत में संलग्न रहने वाली देवी दिति ने अदिति और इंद्र दोनों को क्रोधवश शाप दे दिया। जिस प्रकार तेरे पुत्र इंद्र ने छल करके मेरे घर को काट दिया है, वैसे ही इसका भी नाश हो जाए, अर्थात ये त्रिलोकी के राज्य से वंचित हो जाए। जिस प्रकार पापात्मा अदिति ने घृणित कर्म के द्वारा मेरे घर का संहार करा दिया है, मेरे गर्भ से बच्चे की हत्या कर दी है, वैसे ही उसके भी बालक उत्पन्न होते ही बार बार मृत्यु की ग्रास बन जाए। साथ ही पुत्र शोक से अत्यंत शोकाकुल होकर उसे कारागार में रहना पड़े, दूसरे जन्म में इसे मृत वत्सा होना पड़े। तो व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार दिति शाप दे रही थी, उसके वचन कश्यप जी के कानों में पड़े। प्रेमवश दिति को शांत करते हुए से वे कहने लगे, कल्याणी क्रोध मत करो, तुम्हारे गर्भ से अत्यंत बलवान पुत्र होंगे, उन्हें देवता होने का सुअवसर प्राप्त होगा, उन सबकी मरुत संज्ञा होगी और वे इंद्र के मित्र होंगे। वामोरु, तुमने जो अभी शाप दिया है ये 28वें द्वापर में फलित होगा। ये सुंदरी अदिति मानव योनि में उत्पन्न होकर इसका फल भोगेगी। वरुण ने भी संतृप्त होकर मुझे शाप दे दिया है, दोनों शाप एक साथ चलेंगे, इनके फलस्वरूप अदिति का मानसी बनना अशंभावी है। तो व्यास जी कहते हैं, जब पतिदेव कश्यप जी ने यो आश्वासन दिया तब देवी दिति के मुख की म्लानता दूर होगी, इसके बाद उस सुंदरी के मुख से कोई कटु वचन नहीं निकला। राजन, पूर्व शाप का यही कारण है जो तुम्हें बता दिया। राजेंद्र, वही देवी अदिति अपने अंश से देव की हुई थी।